हे गाइस, आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस क्या है, इसका सिम्टम क्या है और ये कितने टाइप का होता है, फुल डिटेल में आज हम बात करेंगे और इन शॉर्ट में बात करेंगे, कोई लंबा जाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके लीवर पर डायरेक्टली अटैक किया जाता है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, लीवर में सूजन आ जाना और आपको, आपके लीवर को धीरे धीरे ये डिजीज़ एकदम ख़राब कर देता है। ठीक है, हेपेटाइटिस कितने तरीके का होता है? तो हेपेटाइटिस ए से ई तक का होता है, मतलब हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। आज हम बात करेंगे 5 टाइप ऑफ हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस ए आरएनए वायरस है और ये नॉन इन्वॉल्व है, यानी कि इसके चारों तरफ कोई कवर नहीं लगा होता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों में, यानी कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और बच्चों में इसलिए कॉमन है क्योंकि बच्चे जो हैं मिट्टी में खेलते हैं, धूल मिट्टी में खेलते हैं, वो गंदे रहते हैं, इस वजह से हेपेटाइटिस ए जो है बहुत ज़्यादा बच्चों में होता है। हेपेटाइटिस ए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, ये रिकवर हो सकता है 2 मंथ में, और ये होता है, जाहिर सी बात है हम आपको बता चुके हैं, ये कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड अब खुद को हाइजीनिक ना रखना, इस वजह से होता है। वैक्सीन जो है अवेलेबल है। अच्छा, अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है और ये इन्वॉल्व्ड है, मतलब इसके चारों तरफ इन्वॉल्व्ड लगा हुआ है, कवर है। ये रिकवर हो सकता है 6 मंथ में, पर ये क्रॉनिक है, मतलब ये है कि ये डेंजर डिजीज़ है हेपेटाइटिस बी, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसे क्योर नहीं किया जा सकता है। ये जो है पर्सन टू पर्सन होता है, यानी एक इंसान से इंसान को फैलता है, मतलब ये है कि इन्फेक्टेड ब्लड से होता है, सेमिनल फ्लूड से होता है, विजाइनल सिक्रीशन से होता है, मतलब ये जब ये कंटामिनेटेड होगा तब होगा। कंटामिनेटेड ड्रग मतलब दवाएं, टैटू जो बनाते हैं उसके नीडल से होता है, मदर से चाइल्ड को भी हो सकता है ड्यूरिंग बर्थ, यानी जब वो बर्थ देती हैं उस समय में भी बच्चों को हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग से भी होता है हेपेटाइटिस बी एंड सलाइवा से भी होता है। और इसका वैक्सीन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है और इस वजह से क्योरेबल है, लेकिन अगर ये कंडीशन में है तब, नहीं तो अगर कंडीशन में नहीं है तो ये क्रॉनिक डिजीज़ कहलाएगा। हेपेटाइटिस सी के बारे में बात करते हैं। ये आरएनए वायरस है, इसके चारों तरफ इन्वॉल्व लगा हुआ रहता है, ये लीवर डिजीज़ है। जितने भी हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए से ई तक की, सब लीवर डिजीज़ है और ये सब लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब ये है कि सब में सूजन हो जाता है। ये लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ये बहुत लंबा चलने वाला ये बीमारी है हेपेटाइटिस सी, और ये क्रॉनिक डिजीज़ भी है, मतलब ये बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है और इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ये ब्लड से हो सकता है, कंटामिनेटेड ब्लड से, सेमिनल फ्लूइड से हो सकता है, विजाइनल फ्लूइड से हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क से हो सकता है, ये सब कंटामिनेटेड होगा तो हो जाएगा। और ये एचआईवी जैसे स्प्रेड करता है बहुत तेज़ी से, वैसा ही ये वायरस जो है हेपेटाइटिस सी जो है बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है, और जैसा कि हम बोले मदर से चाइल्ड को भी हो सकता है ड्यूरिंग बर्थ, जब उन्हें बर्थ दिया जाता है तो उस समय में भी बच्चों को हो सकता है। अब बात करेंगे हेपेटाइटिस डी के बारे में। ये भी लिवर डिजीज़ है और वेरियस टाइप हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस भी इसे कहा जाता है, यानी एचडीवी। इसमें स्फेरिकल इन्वॉल्व होता है, यानी कि हेपेटाइटिस डी के चारों तरफ स्मॉल स्फेरिकल इन्वॉल्व प्रेजेंट होता है जिससे वायरस प्रोटेक्ट रहता है। हेपेटाइटिस डी जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड है और निगेटिव सेंस है इसके पास, और इसमें बहुत सारा सिम्टम जो होता है, यानी ये सिमिलर ही होता है हेपेटाइटिस बी से, यानी हेपेटाइटिस बी का जो स्ट्रक्चर होता है वैसा ही हेपेटाइटिस डी का भी होता है। ये पास हो सकता है इन्फेक्टेड ब्लड से, कंटामिनेटेड नीडल से, सेक्सुअल कंटैक्ट से, एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन से, और इसका कोई भी वैक्सीन प्रेजेंट नहीं है, और इसे क्योर करने के लिए हेपेटाइटिस बी का के वैक्सीन को यूज़ किया जाता है।
अब हम बात करेंगे लास्ट वन का, जो हेपेटाइटिस ई है, लीवर से रिलेटेड है। मतलब ये लीवर का ही डिजीज़ है, जो इन्फ्लामेशन हो जाता है लीवर में। आरएनए वायरस है, स्फेरिकल इन्वॉल्प, यानी कि आरएनए वायरस है हेपेटाइटिस ई, और उसके चारों तरफ इन्वॉल्प है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, और ये पॉजिटिव सेंस है। ट्रीटमेंट जो है इसे हेल्प करता है ठीक करने में, पर ये क्यूरेबल डिजीज़, मतलब क्योर इसे नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत तेज़ी के साथ स्प्रेड भी करता है। ओरली कॉन्टैक्ट से भी ये फैलता है, मतलब टच से भी, अगर किसी हम इंसान को टच करते हैं तो उससे भी ये फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर से। और इसे क्योर किया जा सकता है 6 वीक में, लेकिन इसका कोई वैक्सीन अभी तक प्रेजेंट नहीं है, यानी नो वैक्सीन। अब हम बात करेंगे सिम्टम का। तो हम किसी में सिम्टम इसलिए नहीं बताएं क्योंकि जितना हम बताएं, यानी कि ए से ई तक हेपेटाइटिस बताएं, उसका सिमिलर सिम्टम है, और ये मॉडर्न स्टडी के हिसाब से देखा गया है। और पहले के स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो पहले कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आता था, लेकिन अभी मॉडर्न बायोलॉजी के हिसाब से जो स्टडी किया गया है उसमें ये सिम्टम बताया गया है जो इंसान को महसूस होता है। ये कॉमन कोल्ड, जो वायरल डिजीज़ हम लोग को हो जाता है, कॉमन कोल्ड जो ईज़ली होता है, फीवर ये सिम्टम है इसका, माइल्ड फीवर, लाइट टूल, डार्क यूरिन, जॉन्डिस, मतलब जॉन्डिस में जो हमें फील होता है, हमारे आइज़ येल्लो हो जाते हैं एंड हमारे नेल येल्लो हो जाते हैं, उसी तरीके से इसका सिम्टम होता है। फैटिग, मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो जाना, फीवर आ जाना, ये सब सिम्टम है, और ये कॉमन लगता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग में ही अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर 1 वीक से ज़्यादा फीवर आपको लग रहा है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।